बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। इंट फंक्शन दरअसल जो हमारी इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है वो इंटीजर कहलाती है, और जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो रियल कहलाती है। तो 35 वैल्यू जो है वो इंटीजर, और पॉइंट के बाद 12 वैल्यू जो है वो रियल। तो अगर इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम फिर इंट फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले इस तरह इसको समझ लेते हैं, जिस सेल में कैलकुलेशन करनी है उस सेल में आ जाएंगे इक्वल, इस सेल को हमने कहा प्लस करें, और प्लस किसके साथ करें, मिसाल के तौर पर हमने सेकंड वैल्यू टाइप कर ली 20 के साथ, तो यहाँ आंसर आ गया 35.12 के अंदर 20 प्लस हुए तो 55.22। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं इक्वल, इसको प्लस करेंगे इसके साथ, तो तकरीबन 90.24 वैल्यू टोटल आ रही है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये जो 35 है सिर्फ और जो 55 है वो टोटल हो। फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, एंड ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, प्लस सेकंड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जो पॉइंट के बाद रियल वैल्यू टाइप हुई हुई है वो इसमें कैलकुलेट, इस तरह अगर आप अप्लाई करते हैं फार्मूला तो वो कैलकुलेट नहीं होगी। इसी के साथ नेक्स्ट एक फंक्शन देखते हैं, और पावर। पावर में क्या होगा, अगर हम इक्वल 2 की पावर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 2 के साथ, तो यहाँ जो शिफ्ट अल्फ़ाबेट के ऊपर 6 बटन दिया हुआ है इसको प्रेस करेंगे, ये साइन, और इस फंक्शन को केराट भी कहा जाता है, और इसके साथ हमने सेकंड वैल्यू टाइप करी, एंटर। और अगर यही काम पावर फार्मूले से करना है तो इक्वल पावर नंबर सेलेक्ट कॉमा, और फिर जो उसकी पावर है वो सेल सेलेक्ट, ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट नंबर सेल और कॉमा सेकंड पावर सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको चेंज कर देते हैं, नंबर हमने 5 कर दिया, पावर भी 5 कर दी, तो यहाँ पे देखिए इसका फिर आंसर चेंज हो गया। इस तरह से 5 5 25, तो जो पावर थी 2 लिखी हुई थी तो 25 आंसर आ गया। इसी के साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है इन्फो का। इन्फो फार्मूला इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि सिस्टम विंडोज़ कौन सी है, या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, या फिर आपकी जो एक्सेल फाइल एक्टिव शीट कौन सी है। तो जिस सेल में आपको रिज़ल्ट चाहिए उसके लिए उस सेल में क्लिक करें इक्वल इन्फो। अब सबसे पहले ब्रैकेट ओपन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पूछेगा डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी और फोल्डर, नम फाइल, एक्टिव शीट, ओरिजिन, ओएस वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। तो जिस ऑप्शन को देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर आ जाएंगे और टैब दबा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो विंडोज 64-bit NT 6.01, F2, तो इस F2 के बाद एडिट, और फिर इसी तरह से जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे आंसर के लिए। तो इंट, इन्फो और पावर के फार्मूले को समझने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए फार्मूलों के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।